नए बने पुल पर बैरिकेड लगने पर जाप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। खबर रोहतास जिले के नासरीगंज से है, जहां नासरीगंज धूस स्थित नहर पर बने नए पुल के रास्ते पर बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड लगने पर जाप कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है तथा जाँच होनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस संबंध में जाप कार्यकर्ता और आम लोगों ने क्या कहा। आज नासरीगंज धूस पुल के समीप किस प्रकार का प्रदर्शन है? आज नासरीगंज धूस के पुल के बाहर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग, ये प्राथमिक आंदोलन है, हम लोग बस सरकार और जो पदाधिकारी हैं उनको यह कहना चाहते हैं कि ऐसे कपार हमरो मत फूटे या तोहरो मत फूटे। ये रोज टेम्पो लड़ाता, बोलेरो लड़ाता, स्कॉर्पियो लड़ाता और लगन के समय बा गाड़ी यही पे है सन। और नया पुल बनल है, बैरियर लगा दिल गई, गाड़ी जब ए पार से पार स्कॉर्पियो नहीं खे जा सकत। तो नया पुल के बनैल सब कहाँ भ्रष्टाचार भइल, कौन पदाधिकारी दोषी बन, ये पदाधिकारी बैरियर कैसे लगाया, ये सवाल है हमारा। ये बैरियर हटाना होगा, नया पुल बनाना होगा। रोज एमपी विधायक मंत्री सांसद यही पे जाता पुल के पुल टूटल बा। विशाल कुशवाहा जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी रोहतास, आज हम लोग यह पूरी के पूरी हमारी कमेटी आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई है। हम लोग सांकेतिक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत पदाधिकारियों के बस नजर में यह आंदोलन जाए कि ये पुल निर्माण कितना जरूरी है। मरीज को ले जाना है, ये पुल से जाना पड़ता है, कितना दूर हम काहे जाएंगे, हमको धूस जाना है तो 2 किलोमीटर घूम के काहे धूस पे जाए। यही धूस के पुल मतलब यहाँ से 10 कदम जाने के लिए हमको 2 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है और वो रास्ता असहज है। यहाँ पर ना बोलेरो पीछे जा रही है, ना बस पीछे जा रहा है, ना बारात का कोई मेहमान आ रहा है जा रहा है। रोज गाड़ी लड़ रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना साहब, केहू के कपार मत फूटे, ये आग्रह भाई। सिंचाई विभाग के पदाधिकारी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्या किए? हम लोग सिंचाई विभाग के पदाधिकारी के आने का इंतजार करेंगे और तब हम लोग उनके सामने रिलीज रख के अपना मेमोरेंडम देकर हम लोग इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। इसके बाद पूरे जन समूह को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी जन अधिकार पार्टी करेगी। जब तक ये बैरियर नहीं हटता है, जब तक यह पुल नहीं बनता। क्या नाम आपका? विशाल कुशवाहा जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी रोहतास। इस पुल पर बैरियर लगाने से कितनी समस्या है आप लोगों को? बहुत समस्या है सर, बहुत समस्या है। हम लोग को स्कूल गाड़ी है, ऐसे ऐसे घूम कर जाना पड़ता है और वाहन वगैरह सब बंद है इस रास्ते से? बंद कहाँ है, सब तो छोटा छोटा गाड़ी चल ही रहा है, बड़ा गाड़ी बंद है। हाँ, मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे है कि बढ़िया होना चाहिए, और क्या मांगे? क्या नाम है आपका? हमारा मनोज यादव नाम पड़ेगा। पुल पर बैरियर लगने से सर कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है, मतलब गाड़ी ऊपर जा रहा है ना एक पार, मतलब सवारी भी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है। कई बार बीमार लोगों को कैसे छोड़ते हैं उधर आप? 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, कंची रोड है, वो खराब है। मांगी क्या है आप लोगों की? पुल के चलते परेशानी बहुत है। मांगी क्या है आप लोगों की? मांगी पुल चाहिए, यहाँ पुल चाहिए, सुरक्षित पुल चाहिए जी। क्या नाम हुआ आपका? लाल बिहारी। बैरियर हटवाइए, पुल लगवाइए। धूस के पुल को बैरिकेड लगाने से और पुल क्षतिग्रस्त होने से कितनी परेशानी है आप लोगों को? आप जानते हैं कि ये मेन लाइन है, समझ गए, बहुत सारे लाइन को जोड़ता है, जैसे टिहरी जाने के लिए, सासाराम जाने के लिए और ये विक्रमगंज जाने का मेन रूट है। और यहाँ से जाने के लिए जो रास्ता आप देख रहे हैं सर, देखिए इधर इधर काम रखिए, ये बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। यदि किसी प्रकार का कोई अगर त्रुटि होती है, कोई गिरता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका सरकार मुआवजा दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? ऑलरेडी हम इतना ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि बैरियर को हटाएं ताकि आसानी से लोगों को आने जाने में कोई जो दिक्कत हो रही है उसमें सहूलियत मिले। अगर नहीं, अगर सहूलियत देने में अगर सक्षम है सरकार तो बोले, हम लोग ही चंदा मिला दें क्या सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रेडी हैं। सो धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। मैं सर राकेश समझाना पड़ेगा सर।